सो गाइस यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, आपने देखा कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। यूरो यूएसडी प्रॉफिट 2790, चौथी ट्रेड थी आई गेस ये। देखिए प्रॉफिट में गई है, बट देखिए कितना क्लोज है, एक तरीके से आपको प्योर डॉजी देखने को यहाँ पर मिली है। और तो गाइज 4321 50,000 रुपीज की ट्रेड हमारी यहाँ पर प्रॉफिट में जा चुकी है। Hey guys, what's up? मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार हम फिर से आ चुके हैं एक नई ब्रांड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। 17 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं बायनोमो स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट के अंदर, और यहां पर 18th वीडियो के साथ हम आए हैं। अभी तक की सारी ही वीडियोस, 17 की 17 वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, कॉमेंट सेक्शन में आपने अपने व्यूज बताए हैं और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, काफी ज्यादा प्यार इन शॉर्ट आपका देखने को मिला है। और आई होप ये स्ट्रेटजी का आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल हो, उतना ही आपको प्रॉफिट्स करवा के दे, क्या वैल्यूज हैं, किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है। मल्टीपल लाइव ट्रेड्स में आपको लाइव चार्ट पे दिखाने वाला हूं ताकि आप प्रैक्टिकली आपकी चीजें क्लियर हो, सिर्फ थ्योरी ही ना हो, आपको प्रैक्टिकली पता हो कि चार्ट पर आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए बिल्कुल भी मिस मत करना स्ट्रेटजी वीडियो को, और क्या इंडिकेटर्स होंगे, सारी चीजें, कितना टाइम फ्रेम आपको बताने वाला हूं वीडियो के अंदर ही। इस स्ट्रेटजी को बहुत बार ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, टेस्ट किया जा चुका है, अब यहां पर आपको लाइव चार्ट पर कैसा ही परफॉर्म करती है आप सभी के सामने अभी हम देखेंगे। उसके बाद में डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए या नहीं। फिलहाल के लिए लेकर चलता हूं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हम आ चुके अपने बायनोमो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये मेरा बायनोमो का अकाउंट। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बॉलिंगा बैंड सेलेक्ट करना है, 20 पीरियड एज इट इज रखना है, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना। टोटल आज हम 3 इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, सबसे पहला था बॉलिंगा बैंड, उसके बाद में यहाँ पर आता है सीसीआई आपको सेलेक्ट करना है, पीरियड आपको करना है इसका 14 पीरियड करके इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहां पर RSI सेलेक्ट करना है, RSI का पीरियड आपको 14 दिख रहा है, इसको आप कर दीजिए 7। वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और इसका कलर चेंज करने के लिए मैं इसका कलर यहां पर रेड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर RSI, CCI और बॉलिंग बैंड 3 इंडिकेटर्स यहां पर अप्लाई हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको फंक्शन बताता हूँ कि कैसे ये अप्लाई होता है, किस तरीके से ये ट्रेड, किस तरीके से स्ट्रेटजी आपको सिग्नल देती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉलिंग का बैंड की, तो यहाँ पर आपको जब नीचे वाली लाइन पे कैंडल टच करती है तब आपको यहाँ पर ऊपर का सिग्नल मिलता है, अगर ऊपर वाली लाइन पे कैंडल टच करती है तो वहां पर आपको डाउन का सिग्नल मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बिना टच के थोड़ा नीचे से कैंडल रिवर्स हुई तो ये सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दो तरीके ये हुए इस पे ट्रेड करने के, थर्ड आपका आता है मिडल पे, बीच में अगर आपको कैंडल क्रॉस होती हुई दिखती है बीच वाली लाइन को तो उसके बाद आपको सिग्नल मिलता है 1 से 2 कैंडल बाद उसी सेम डायरेक्शन में जाने का। मैक्सिमम एक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 1 कैंडल का वेट करना होता है, उसके बाद में आपको उसी डायरेक्शन में जाना होता है, ठीक है। ये हो गया बॉलिंग का बैंड का। अब यहाँ पर RSI में आपको जो जोन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अगर डाउन की तरफ जा रहा है ऊपर की लाइन के पास तो आपको डाउन का सिग्नल मिलता है, नीचे से आपको अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो आपको फिर अप का सिग्नल मिलता है। सेम यहाँ पर आपको CCI के अंदर सिनेरियो, RSI के अंदर सिनेरियो, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है दोनों जोन, अगर यहाँ पर ऊपर की जोन पे आपको डाउन का सिग्नल मिले तो वो स्ट्रांग होता है, और नीचे के जोन के पास आपको अप का मिले तो वो स्ट्रांग होता है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपका चेहरा मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस यहाँ पर देखिए हमें सिग्नल मिल रहा है फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, 14,000 रुपीज मेरे सिलेक्टेड है और 1 to 2 मिनट की यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करिए फॉर 1 to 2 मिनट, डायरेक्टली आपको रिजल्ट पर दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी क्यों है। RSI और CCI दोनों ही आपको सिग्नल दे रहे हैं फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे के जोन से आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और सेम यहाँ पर आपको जो बॉलिंग का बैंड है उसका भी आपको यहाँ पर नीचे की लाइन के पास टच हो चुका है। तो इस तरीके से आपको दोनों ही इंडिकेटर्स अपवर्ड का सिग्नल दे रहे हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है, डायरेक्टली आपको 1 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ कैसा सिनेरियो रहा था। सो गाइज यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, आपने देखा कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर अभी सेम आपको सिग्नल वही मिल रहा है, अगर आपको यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन दोबारा जाना है तो अगर आप 4 to 5 मिनट्स के लिए चाहो तो जा सकते हो, बिकॉज आपको कुछ टाइम के लिए उस डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर अमाउंट कम कर रहा हूँ बिकॉज 14,000 रुपीज के ऊपर हमारा ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तो अब यहाँ पर ज्यादा अमाउंट से रिस्क नहीं। अगर ये कैंडल हमें रेड मिलती है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम वापस अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे,
अगर ये हमें अप मिल जाएगी तो वहां पर थोड़ा रिस्की होगा। फिलहाल के लिए हमें पता है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, और अगर आप चाहो तो यहां पर भी फॉर 1 to 2 मिनट जा सकते हो। ओके लेट्स सी, यहां पर हम जाते हैं फॉर 1 to 2 मिनट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्या सिनेरियो होता है बट इस कैंडल के फिनिश होने के बाद। इस बीच कैंडल में हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज कुछ नहीं कह सकते। अगर रिजेक्शन मिल गया आपको वापस ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ आ सकती है कैंडल। चलिए 10 सेकंड्स बचे हुए हैं और यहां पर मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज काफी ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने 7000 रुपीज की ट्रेड प्लेस करी है। 1 to 2 मिनट की बेसिकली आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो और लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है। डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ रिजल्ट पे। उससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बायनोमो और ऑल इन ट्रेड दोनों के लिए फ्री सिंगल्स प्रोवाइड करता हूँ। दोनों के लिए अलग अलग मैं टेलीग्राम चैनल रन करता हूँ जहाँ पर आपको फ्री सिंगल्स मिलते हैं। मंडे टू फ्राइडे न्यूज के ऊपर ट्रेड कराई जाती है, प्लस यहाँ पर आपको ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है ग्रुप के अंदर ही, जहाँ पर मैंने काफी डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करी हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो चार्ट पैटर्न्स है, हर एक चीज मैंने एक पीडीएफ में आपको ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड की हुई है। तो जो भी ज्वाइन होता है वहाँ पर ग्रुप के ऊपर उसको एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद में आपको चार्ट पैटर्न्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लस यहाँ पर आपको गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। हर वीक में गिव अवे कंडक्ट करता हूँ बायनोमो और ऑरियन ट्रेड दोनों ही सिंगल रूट के अंदर, तो ये बहुत अच्छा मौका है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन जिन लोगों को ज्वाइन करना है मेरी टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कीजिए। आप मुझे प्रोसेस पूछ सकते हैं और वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं सारी अपडेट शेयर करता हूँ वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा कोई बाहर से आपसे कॉन्टैक्ट करता है, मेरे नाम पे कोई पैसे लेता है, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो बिलीव मत कीजिए, फ्रॉड है। इस चैनल पे कभी भी ना पैसा लिया गया ना ही कभी किसी भी फॉर्म में लिया जाएगा। चलिए वापस चलते हैं हमारी ट्रेड की तरफ। चलिए गाइज, ये जो ट्रेड है ये हमारी लॉस में एंड हुई है। फर्स्ट ट्रेड हमारी प्रॉफिट थी, सेकंड ट्रेड हमारी लॉस है। थर्ड ट्रेड में यहाँ पर लेने वाला हूँ लेट्स से 28,000 रुपीज के। 28,000 रुपीज के लिए जो ट्रेड है मेरी जाने वाली है फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। 1 to 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर 28,000 रुपीज की ट्रेड प्लेस करी है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। क्यूब करी आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी नीचे वाले जोन के पास ही है और अभी वहां से ऊपर आए और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली थी। तो इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बेसिस पे प्लस यहाँ पर ये जोन के काफी पास है, मुझे लगता है एटलीस्ट इस जोन तक जो वॉल्यूम का बैंड का जोन है यहाँ तक इसको ये कैंडल टच होंगी, उसके बाद में अगर वापस रिवर्स हो सकती तो होगी। ये एक बेसिक एनालिसिस रहता है। तो तीनों ही इंडिकेटर्स मोस्टली अभी हमें सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं RSI और CCI की, वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रहे बट यस उनका भी सिग्नल फिलहाल स्लाइटली अपवर्ड का ही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको फास्ट फॉरवर्ड करके लेके चलता हूं रिजल्ट के ऊपर एंड लेट्स सी वहां पे कैसा सिनेरियो रहता है। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस में जाएगी देन हम इसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड इससे ज्यादा अमाउंट की लेंगे और इसी को हम मार्टिंगल बोलते हैं। जो लोग मेरे साथ सिंगल रूप में एडेड है उनको इस चीज के बारे में पता होगा कि आपको अमाउंट अपने ट्रेड्स के अंदर कैसे यूज करनी होती है। सो गाइज यहाँ पर अभी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा एक चीज जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे लोग उसमें कन्फ्यूजन रहता है, बहुत गलतियां करते हैं। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, आप दिन की 5 से 6 ट्रेड ले रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए मार्टिंगल आप फॉलो करें हर एक ट्रेड में। फिलहाल के लिए ट्रेड हमारी बहुत अच्छे मार्जिन से प्रॉफिट में जाने वाली आप यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया इस जोन के आसपास, अगर यहाँ से रिवर्स हुआ है तो इस जोन के आसपास उसको आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं फॉर 1 to 2 मिनट या फिर 3 मिनट भी अकॉर्डिंग टू यू, आप जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर CCI और RSI भी आपको अपवर्ड में जाते हुए दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अपवर्ड में जाना थोड़ा रिस्की होगा बिकॉज हो सकता है आपको एक दो कैंडल डाउन मिल जाए फिर वो ऊपर जाए, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट को आप अवॉइड कर सकते हैं, दूसरी करेंसी में आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से अभी मैंने तीन ट्रेड ली और 3 में से 2 प्रॉफिटेबल गई, 1 लॉस भी गई, तब भी वो लॉस मैटर ही नहीं करा बिकॉज जो मार्टिकल मैंने फॉलो किया है, अमाउंट मैंने जिस तरीके से यूज करी है कि प्रॉफिट के बाद अमाउंट को डिक्रीज करो लॉस के बाद इंक्रीज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके एट द एंड आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप डेली भी ट्रेड्स लेते तो आपको ये चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो चीजें सिर्फ आपको वही दिखाते हैं जो आपको देखना पसंद है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना है तो वही आपको दिखाते हैं ताकि आप उससे अट्रैक्ट हो, बट यहाँ पर आपको सारी चीजें सिनेरियोज लाइव देखने को मिलेंगे। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग चीज दिखाऊंगा और आपके साथ एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, तो जो भी चीजें हैं सेम चीज आप भी फील करते होगे, आपके भी कभी 1 लॉस होता होगा, 2 लॉस होते हैं, कॉन्टिन्यूस लॉसेस भी होते होंगे। तो इट्स ट्रेडिंग, वो बहुत जरूरी है, आपके लॉसेस होना, लॉस होना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको बहुत सोचने की इसमें जरूरत है। अगर आप जैसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि 100% कोई स्ट्रेटेजी आप मेरे को बताओ या फिर कोई शॉर्ट सिग्नल दो या फिर इस तरीके से चीजें, मैं उनको भी यही बोलता हूं और आपको यहां पर वीडियो के थ्रू भी यही बोलना चाहूंगा, स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट ये मत सोचो कि कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% रिजल्ट देगी। और किसी के ऊपर भी इस तरीके से बिलीव मत करो कि एक ही ट्रेड पे आप किसी के बोलने पे सारी अमाउंट लगा रहे हो फिर इस तरीके की चीजें,
अवॉइड करो और एक प्लान को फॉलो करो एंड एट द एंड आपको प्रॉफिट में लेकर जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं इस पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर इसको ये इसको टच कर चुका है, ठीक है, और टच करने के बाद में यहाँ पर अगर इसको ये स्ट्रांगली क्रॉस करता है तब ये ऊपर जाने के चांसेस है, अगर स्ट्रांगली क्रॉस नहीं करता है तब ये डाउन आने के चांसेस है। तो इस पॉइंट पर हम वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऊपर की लाइन को यहाँ पर टच कर चुका है, आरएसआई अभी बीच में है जोन्स के, ठीक है। तो अभी तीनों से ही कुछ ऐसा स्ट्रांग सिग्नल नहीं मिल रहा है, और अगर आप इस बीच वाले पॉइंट बीच वाली लाइन को अगर देखते हो तो उसको आपको एज ए रिवर्सल बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस करा है अपवर्ड डायरेक्शन में एक अच्छी स्ट्रांग कैंडल के साथ, तो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करूँ कम अमाउंट के साथ करता हूँ 1500 रुपीज इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर 1 मिनट। मैं यहाँ पर एक ही मिनट के लिए करूंगा 2950। चलिए एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पर 1500 रुपए की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है। अब देखिए जैसे ही इसने स्ट्रांगली क्रॉस करा और सेम एग्जैक्ट कैंडल फिनिश के ऊपर मैंने यहाँ पर 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करी है। अब ये कभी कभी आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, आपको बहुत अच्छा ट्रेंड भी मिल सकता है, कभी कभी आपके अपोजिट भी जा सकती है, बिकॉज आपको आइडियली एक कैंडल का वेट करना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहता है। बट उसमें कभी कभी आपका डीले भी हो जाता है, तो बहुत स्मार्टली चीजें रहती हैं, आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आपका कितना अभी प्रॉफिट हो चुका है, कितना आप अभी लॉस में, उस तरीके से आपको चीजें एनालाइज करनी होती है। यहाँ पर देखिए अभी जैसी ट्रेड प्लेस हुई उसकी काफी बड़ा आपको जंप देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी कैंडल आपको देखने को मिली थी, अभी थोड़ा रिजेक्शन भी मिल रहा है और अभी 26 सेकंड इस ट्रेड को है। तो डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं मैं रिजल्ट के ऊपर और कैसा सिनेरियो होता है वहां पर देखते हैं। सो गाइस यहां पर अभी 5 सेकंड्स बचे हुए हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिली है, और मैंने आपको बताया था अगर बीच वाली लाइन को स्ट्रांगली क्रॉस करता है तो फिर चलने के चांसेस हैं, आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए जा सकते हो। यूरो यूएसडी प्रॉफिट 2790 चौथी ट्रेड थी आई गेस ये, और 3 प्रॉफिटेबल हमारी जा चुकी है, 1 लॉस रही है। और इस पॉइंट पर अभी यहाँ पर अपवर्ड आपको नहीं जाना है, ठीक है, ना ही आपको डाउनवर्ड जाना है, बिकॉज आप कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर कि आपका यहाँ पर डाउन जाएगा अप जाएगा। अगर आपको 1 से 2 डाउन कैंडल मिलती है वो आप जज कर सकते हो कैसी कैंडल मिली है रेड, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे बिहेव कर सकते हो, या फिर आपको 1-2 स्ट्रॉन्ग अगर ग्रीन और मिल गई तो वहां पर आप फिर रिवर्सल के लिए जा सकते हो। फिलहाल के लिए 4 में से 3 ट्रेड हमारी यहाँ पर प्रॉफिटेबल रही है। अगर आप आरएसआई और सीसीआई को देखते हो यहाँ पर डाउन का सिग्नल दे रही है। चलिए हम एक बार एक सिनेरियो आपको ये भी दिखाता हूँ कि आरएसआई और सीसीआई के साथ जाते हैं डाउन के लिए जाते हैं फॉर 1 to 2 मिनट। लेट्स सी, देखिए आरएसआई यहां पर डाउन का सिग्नल दे रहा है, सीसीआई भी यहां पर डाउन का सिग्नल दे रहा है, बॉलिंग का बैंड यहां पर अभी तक ऊपर टच नहीं हुआ है। देखिए अगर आपको मैं यहां पर जूम करके दिखाऊं, बॉलिंग का बैंड यहां पर अभी टच नहीं हुआ है, और आइडियली ये पॉइंट है भी नहीं यहां पर डाउन के लिए जाने के लिए, आपको या तो 1-2 कैंडल का वेट करना चाहिए। बट लेट्स सी, मेरे को आपको सारे सिनेरियोस दिखाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कहां पर आपको ट्रेड लेनी है, कहां पर नहीं लेनी, और सब चीज आपको लाइव में दिखेंगी तो आपको ज्यादा ईजी होगा जब आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करोगे। तो गाइज यहाँ पर अभी कुछ सेकंड्स बचे हुए ट्रेड को एंड होने में 50 सेकंड के आसपास, बट आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग ऑल इन ट्रेड के यूजर्स हैं वहां पर एक आपको इंडिकेटर मिलता है डॉन चेन चैनल, वहां पर सेम बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा उस इंडिकेटर का, तो वो आप इसी की तरह यूज कर सकते हो, यही ट्रिक्स के साथ इसी तरीके से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो डॉन चेन चैनल को यूज करके, सेम टाइम के साथ आप सेम पॉइंट्स के ऊपर वहां पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो जो ऑल इन ट्रेड के यूजर्स है। अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, और आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और बहुत ही बड़ा रिजेक्शन देखने को यहाँ पर आपको मिल रहा है और बहुत ही क्लोज आया हमारी ट्रेड के, देखिए प्रॉफिट में गई है, बट देखिए कितना क्लोज है, एक तरीके से आपको प्योर डॉजी देखने को यहाँ पर मिली है और यहाँ पर हमारी ट्रेड थी। नो वरीज, हमारा प्रॉफिट में गई है ट्रेड, और 2 इंडिकेटर हमने यहाँ पर फॉलो करे थे, बॉलिंग सीसीआई और आरएसआई। तो यहाँ पर अगर आपको 3 में से एटलीस्ट आप 2 भी फॉलो करते हो तब भी आपके चांसेस है प्रॉफिट के, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए जाते हैं फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। 500 रुपए में आप सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज अब यहाँ पर अमाउंट का ज्यादा मैटर नहीं है, प्रॉफिट हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, सिर्फ आपको सारे पॉइंट्स दिखाने के। अब यहाँ पर आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला था लास्ट कैंडल में, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का चांसेस बनता है, बट तीनों ही इंडिकेटर अपोजिट है, मतलब तीनों में से कोई भी अपवर्ड का सिग्नल नहीं दे रहा है। बट लेट्स सी अपवर्ड में जाकर देखते हैं कैसा सिनेरियो रहता है, जब आपको एक भी इंडिकेटर सिग्नल ना दे बट आपके गट्स कह रहे हो कि आपको अपवर्ड में जाना चाहिए तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, डेटा की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको गट्स को फॉलो करना चाहिए, वो भी आपको दिखाई देगा। एज अ नॉर्मल ट्रेडर आप अगर आप खुद भी ट्रेड लोगे तो आपको वही चीज देखने को मिलेगी, और वही सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं चार्ट के ऊपर, ठीक है। आप भी अगर होते तो यहां पर आपको इतना बड़ा रिजेक्शन देके आप अपवर्ड में ट्रेड प्लेस करते, और आपको हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि जैसे आपको कोई रिजेक्शन मिले, फॉर एग्जांपल डाउन में मिल रहा है फिर अप में मिल रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में जाते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलिए कुछ टाइम बचा हुआ है, लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट रहता है एंड देन हम आगे मूव करते हैं। सो गाइज ये ट्रेड हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट लॉस में जाने वाली है, और इसी से आपको पता चलता है कि इंडिकेटर एक भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी अगर हम उसके ऑपोजिट जाते हैं तो कैसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर प्योरली एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, एक अच्छी अमाउंट की करने वाला हूँ, जस्ट टू एंड दिस सेशन, किस लेट्स सी कैसे हमारे फेवर में जाती है, उस ट्रेड को हम परफेक्टली एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे।
50,000 रुपीज़ की यहाँ पर मैं अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। और जो चार्ट है अभी हमें दिख रहा है बहुत, अभी मूवमेंट बहुत स्लो है, थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स सी ये कैंडल किस डायरेक्शन में बनती है। और मैं यहाँ पर 1 to 2 मिनट के लिए जाना चाहूँगा फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज हमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल मिली है और इस कैंडल का मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कि ये कैंडल कहाँ फिनिश होती है, फिर मैं जाता हूँ फॉर द डायरेक्शन कि अगर ये कैंडल डाउन में फिनिश होती है तो फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पर डाउन में बनती हुई दिख रही है, अगर फिनिश होती है तो फिर मैं डाउन में जाऊँगा, अगर अप में जाए फिनिश होती है देन मैं थोड़ा वेट करूँगा। लेट्स सी, 8 सेकेंड्स बचे हुए हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 50,000 रुपीस की ट्रेड प्लेस करी है मैंने फॉर 1 मिनट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रीजन आपको दिख रहा है आरएसआई और सीसीआई दोनों आपको डाउन की तरफ दे रहे हैं और बॉलिंग का बैंड से भी यहां से रिवर्स कर चुका है मार्केट, तो यहां पर आप डाउन के लिए जा सकते हो। एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल आपको मिल चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, एक जस्ट अ सेकंड, ये कि यहां पर बड़ी रेड कैंडल आपको मिल चुकी है, फिर आपको ग्रीन के बाद दोबारा रेड मिल चुकी है, तो यहां पर एक कॉन्फर्मेशन होता है। ठीक है, आपको अगर एक ग्रीन रेड कैंडल आपको बड़ी मिल चुकी है, फिर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल चुकी है, उसके बाद वापस रेड मिल चुकी है, तो आपको कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ से रिवर्स हो चुका है और फिर आप जा सकते हैं फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, अगर आप किसी पे ज्यादा अगर आप बिलीव करना चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा बिलीव कर सकते हैं, इसलिए इतनी बड़ी अमाउंट मैंने यहाँ पर लगाई है और रिजल्ट आप देख रहे हैं काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत जरूरी है कि आप कहाँ के कौन सी ट्रेड में कितनी अमाउंट लगा रहे हैं और रिजल्ट आपको उसी तरीके का मिलेगा और मार्टिंगल भी आप वैसे ही अगर फॉलो करते हो तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो गाइज 4, 3, 2, 1, 50,000 रुपीज की ट्रेड हमारी यहाँ पर प्रॉफिट में जा चुकी है। और अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब सेशन स्टार्ट करा था उस टाइम पे कितनी थी और अभी कितनी है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट किया है। एक ट्रेड लॉस थी 7,000 रुपीज की, एक ट्रेड लॉस थी 500 रुपीज की, बाकी सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल थी और जो 500 रुपीज की ट्रेड थी वो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं थी। इट वॉज जस्ट टू शो यू कि अगर आप कभी गट फीलिंग को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, तो हमेशा आपको डेटा को फॉलो करना चाहिए। फिलहाल के लिए एंड करते हैं इस सेशन को और आई होप गाइज आपको ये जो स्ट्रेटेजी है इसके हर एक पॉइंट क्लियर होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं और हर एक ट्रेड में आपको एक नई चीज सीखने को मिली होगी। और जब आप ये चार्ट पर एक्सप्लेन करेंगे आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लियर होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देख ली हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद आपका प्रॉफिट होता है तो प्लीज एक मिनट के लिए वापस कॉमेंट सेक्शन में जरूर आना और तब आपको कॉमेंट मुझे चाहिए इस वीडियो के नीचे, बहुत ही वैल्यूएबल है। अभी के अभी लाइक जरूर करना वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, अगर आपको लग रहा है मैं आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूं तो। सिंगल ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करो, मेन टेलीग्राम चैनल उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी फ्रॉड के अंदर मत फंसो, जो भी लोग पैसे मांग रहे हैं आपको मेरे नाम पे या फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेच रहे हैं वहां पर आप मत फंसो, इस चैनल पे हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूज करो स्ट्रेटेजी को और बताओ कैसा रिजल्ट रहा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।